पूरी कंप्लीट बात कर रहा हूं। सुपरवाइजर की टोटल पोस्ट की बात करूं तो मैं चार पोस्ट है, और मैं इसमें बात करता हूं सर फॉर्म कौन लगा सकता है, तो जिसके पास में ट्वेल्थ एग्रीकल्चर है राजस्थान में किसी भी कोने का हो। एक क्वेश्चन कल ये भी आया था कि सर हम स्वामी केशवानंद के स्टूडेंट होंगे तो भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। राजस्थान के किसी भी कोने से हो और आपके पास में ट्वेल्थ एग्रीकल्चर है पोस्ट, हम पहले सुपरवाइजर हैं बिकॉज अब होनर्स कंप्लीट है, बिल्कुल बताएंगे पंकज जी। आप ट्वेल्थ एग्रीकल्चर पास हो तो 18 साल के हो तो आप फॉरम को अप्लाई कर सकते हो, ट्वेल्थ पास होना चाहिए और एग्रीकल्चर से होना चाहिए, ठीक है, बायो मैथ नहीं चलेगा, एग्रीकल्चर होना चाहिए। फिर सर इसके अंदर जो सिलेबस आएगा वो क्या आएगा, आपको मैंने बोला पांचों यूनिवर्सिटी की भर्ती, एक अधीनस्थ बोर्ड की भर्ती, छह प्रकार की सुपरवाइजर एग्रीकल्चर कृषि परिवेश की भर्ती होती है, उसमें सिलेबस एक ही रहता है। इसमें ही आपके 15 क्वेश्चन आपके हिंदी के आएंगे, 25 क्वेश्चन आपके जीके के आएंगे, ठीक है, और 60 क्वेश्चन आपके आएंगे जो एग्रीकल्चर के आएंगे, जिसमें से आपके 20 एनिमल के होंगे, 20 हॉर्टी के होंगे और 20 क्वेश्चन आपके एग्रोनॉमी का आएंगे। यही आपका सिलेबस है जो पिछले आप 2 साल से पढ़ते आ रहे हो सुपरवाइजर में, सिलेबस सेम है, वो का वही सिलेबस है। आप किताब उठाइए, ऐसा मत सोचिए कि चार पोस्ट है तो क्या में हम तैयारी करेंगे कि नहीं करेंगे। अरे इसमें एग्जाम दीजिए आप, जो जॉबनेर की आएगी उसमें तो फाइट कर पाओगे, उसमें 70 पोस्ट है और आपको तो चाहिए कोई ना कोई तो एक पोस्ट ले जाएगा, उसमें भी रह गए बाई चांस तो आपको उदयपुर वाली का फॉर्म भरना है, उसमें तो आएगा, एक साल में 4 एग्जाम दोगे आप, ठीक है। फिर लगभग आपके सितंबर माह तक पूरी पूरी उम्मीद है नई कृषि प्रवेशक भर्ती 800 से 1000 पोस्ट आने की, नई कृषि प्रवेशक भर्ती है जो 800 से 1000 तक पोस्ट आने की पूरी पूरी सितंबर माह तक कोशिश जारी है। हो सकता है कि आपको खुशखबरी मिल जाए, हो सकता है आपको खुशखबरी मिल जाए, नहीं मिले वो तो आनी तो अब आप वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये चलाने की पूरी पूरी संभावना है। जो 2022-23 है इसके लिए खास बात सुन लो आप, जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है उसका सपना आपको साकार करना है बनने का, तो आपकी जो 5 एग्रीकल्चर की जो यूनिवर्सिटीज है, 5 एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटीज है जिसमें एक बीकानेर की आपके पास सामने पोस्ट आई गई, सर इसमें तो 4 ही पोस्ट आई, क्या करें इसका, देखो कि इसमें खाली 4 ही थी। इसके बाद में देखो कि आप सिलेबस कंप्लीट करते रहे, सिलेबस जैसे ही आपका कंप्लीट होता है, सिलेबस जैसे ही आपका कंप्लीट होता है तो आप एग्जाम देने जाओगे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का, बाई चांस इसमें 4 पोस्ट है आपके हाथ नहीं लगी पोस्ट, जैसे ही इस एग्जाम से फ्री होते हो 2 महीने बाद में एक और एग्जाम होगा, जैसे कि वो हो जाएगा जोबनेर यूनिवर्सिटी, ठीक है। जैसे ही जोबनेर यूनिवर्सिटी का एग्जाम दिया उसमें भी पीछे रह गया, उदयपुर यूनिवर्सिटी का आ जाएगा, उदयपुर यूनिवर्सिटी में कोई प्रॉब्लम आ रही है सर, किस्मत ही खराब है, 3 पेपर दे दिए, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, आ जाओ साहब जोधपुर यूनिवर्सिटी खाली है आपके लिए, वहां लग जाओ सर, और भी पेपर बीट गए तो कोटा वाली तो पीछे है ही है सर, 1 साल हो गए पढ़ते पढ़ते, पूरा 1 साल हो गया सर नहीं नंबर आ रहा है, 5 एग्जाम दे दिए सर नहीं आ रहा है, अब क्या किया जाए, अब किया जाए। जो आपके लिए जो 2022 में पूरी पूरी चांस है, जो सितंबर माह तक पूरी पूरी भर्ती आने की चांस है, तो इसका हो सकता है एग्जाम 2023 में तो आएगा ही आएगा, एग्जाम होना ही है, तब तक आप इन 5 के एग्जाम तो दो, इन 5 में आप पीछे रह गए तो ये पड़ी आपके सामने 800 से 1000 पोस्ट, और आपकी तैयारी 1 साल से कर रहे हो, पूरा सिलेबस घोट के पी लिया तो इसकी आप कदे ही छोड़ोगे नहीं, ये मेरी गारंटी है, 1 साल कंटिन्यू पढ़ना है। पहली बार ऐसा हो रहा है राजस्थान में कृषि परिवेशक भर्ती के लिए कंटिन्यू पूरी साल ही एग्जाम देते जाओ, अरे एग्जाम देते जाओ, कमी ढूंढते जाओ, इस एग्जाम में क्या कमी रहेगी, 5 एग्जाम दोगे, 5ों में सिलेक्शन नहीं हो रहा तो 6वां एग्जाम इसमें तो माइका लाल ही आए, ये मेरी गारंटी। आप सोचो आपके सामने 2022-23 में 6 एग्जाम देने कृषि परिवेशक, आप बोलते हो भर्ती नहीं आएगी, बाकी